दोस्तों बारिश के समय मुर्गों की कैसे देखभाल करें। अगर आपके पास में देसी मुर्गी है, प्योर देसी, और इनको आप फ्री रेंज एरिया के अंदर रखते हो, प्योर देसी मुर्गियों को अगर आप फ्री रेंज एरिया के अंदर रखते हो, तो अभी बारिश का सीज़न शुरू हो गया, इसमें मुर्गों की देखभाल कैसे करें। कुछ बारिश के समय में मुर्गियों को परेशानी आ सकती है, ऐसी बात नहीं है, तो उनकी आप देखभाल कैसे करते हो वीडियो अंत तक देखें और ध्यान से सुनिए। जो गलती हो, जो भी हो, कमेंट में उसे लिखें। तो शुरू करते हैं वीडियो। बारिश के समय मुर्गियों को अगर आपकी फ्री रेंज एरिया के अंदर है, जैसे ये मान लीजिए फ्री रेंज एरिया ऐसे है, घूम रहे हैं पूरा दिन में, अगर बारिश शुरू होगी तो इनको आप एक बार अंदर कर दीजिए, इनको फार्म के अंदर कर दीजिए। नहीं तो अगर ये इनके पंख भीग जाएंगे ना, पंख, तो इनको सर्दी जुकाम लगेगा, चांस रहता है। और सर्दी जुकाम अगर मुर्गों को लग गया तो फिर ये बचना बहुत मुश्किल हो जाता है। मुर्गी दाना नहीं खाती है, एक जगह बैठ जाती है, मुर्गा भी एक जगह बैठ जाता है, और नाक से इनके पानी गिरता है, नाक से और मुँह से पानी गिरता है। तो आप कोई सोचते हो कि पता नहीं कौन सी बीमारी होगी, तो इनको मुर्गी को बारिश के होते अंदर कर देना चाहिए। दूसरी बात, बारिश के समय अगर वो अगर बाहर जाएंगे और गंदा पानी है, कहीं गंदा पानी इकट्ठा हो गया बारिश के समय, नाले का कहीं और का कहीं कीचड़ पीचड़ का, तो मुर्गा पानी, गंदा पानी बहुत जल्दी पीता है। ये देसी मुर्गी है ना, ये गंदा पानी इतना फास्ट पीता है कि आपको यकीन नहीं होता। स्वच्छ पानी, शुद्ध पानी नहीं पिएगा वो, गंदा पानी पक्का पियेंगे। अगर वो गंदा पानी पिएगा तो आपको पता, फिर वो 100% बीमार हो जाएगा। उसके अंदर पता नहीं जो गंदे नाले का क्या क्या पानी, कितना क्या गंदगियाँ आई हुई है। तो उनको आपको ध्यान रखिए, जब बारिश होगी अंदर कर दिया, और जब पानी इकट्ठा हो, जब तक सूखे नहीं, तो उनको एक बार बाहर मत निकालिए, इनको फार्म के अंदर रखिए, फार्म से बाहर मत निकालिए। जब तक पानी सूख जाए तब नहीं, अगर गंदा पानी इकट्ठा नहीं हो रहा है, ऐसे नॉर्मल अगर पानी इकट्ठा हो रहा है तो पीने तो कोई बात नहीं, अच्छा पानी, कोई दिक्कत नहीं है। नाले का पानी आके अगर इकट्ठा हो रहा है तो फिर आप ध्यान रखो। एक आपके फार्म के अंदर, नंबर तीन बात, अगर फार्म के अंदर मेरी तरह जाली लगा रखी है ऐसे, और पानी की बौछाड़ आ रही है, दिख रहे हैं पानी की बौछाड़ अंदर आएगी, तो ये पानी, ये पर्स गीला हो जाएगा। अगर आपके पक्का पर्स है, अमूमन पक्का पर्स रखते हैं, लेकिन मैंने कच्चा रख रखा है। अगर पर्स के पक्का है और ये जाली लगा रखी है, तो फुहारे अंदर आएगी, अंदर फुहारे आएंगे, पर्स गीला हो जाएगा। देसी मुर्गियों में इतनी बदबू नहीं आती है, बीट बाट की इतनी बदबू नहीं आएगी, लेकिन तो फार्म है या सोनाली है या डबलअप जी है, तो उनकी बीट में एकदम दवाई देके तैयार करते हैं ना, तो इतनी बदबू आती है, अगर पानी अंदर हो गया ना कीचड़, तो इतनी बदबू आती है, तो इन बदबू से अमोनिया गैस बनती है, और अमोनिया गैस बनती है इंसान के लिए भी खतरनाक है, मुर्गों के लिए भी खतरनाक है। जैसे मुर्गों को आँख में पानी आना शुरू हो जाना, मुर्गे कमज़ोर होना, और बहुत बदबू, अमोनिया गैस होने से कई दूर तक, 1 किलोमीटर तक बदबू आती है। तो गांव वाले या दो शहर वाले वो बोले यार बदबू कहाँ से आती है, तो उसको जब ये आपके पास ऐसे हो तो उन जाली हो ना, तो आप उनका पर्दा, प्लास्टिक के पर्दे आते हैं, वो चारों तरफ उनको लगा दो एक बार, जैसे बारिश ख़त्म हो गई तो पर्दे ऊपर कर दो, या पर्दे लगा के थोड़ा थोड़ा ऊँचा कर दो, हवा आने के लिए उनको छोड़ दो, बारिश की छींटे अंदर नहीं आने दो। अगर देसी मुर्गी है तो फिर बदबू नहीं आई, कोई टेंशन नहीं इतना। अगर देसी नहीं है, प्योर देसी नहीं है, तो फिर बदबू 100% बदबू आएगी, वो पूरे कई किलोमीटर तक फैलेगी। जो बंदा काम करने वाला, उनको भी बीमार होने का चांस रहता है, मुर्गियाँ तो बीमार होएगी होएगी, उनकी बदबू से उनकी आँखें ख़राब हो जाएगी, आँखों में पानी आना शुरू हो जाएगा, फिर धीरे धीरे मुर्गियाँ कमज़ोर हो जाएगी, वजन नहीं बढ़ पाएगा, फिर नुकसान का चांस है। तीसरी बात, बारिश से, अगर बारिश हो रही है तो अगर आपका फार्म नीची जगह में है, खाड़े के अंदर है, या मेरी तरह आपने प्रोटेक्शन आपने नहीं कर रखी, चीज़ मैंने कर रखी नहीं, ये प्रोटेक्शन अगर ऐसे नहीं लगा रखी, मेरा फार्म ऊंचा है, ज़मीन से पानी आता है, अगर पानी अंदर ना कुछ मैंने लगा रखा नहीं, तो ये गेट के सामने थोड़ी सी दीवार ऊंची कर रखी है, ऐसा अगर आपने नहीं करके, अगर पानी भर गया तो आपके मुर्गे फार्म में पानी घुसा मुर्गे आपके 100% बीमार हो जाएंगे। या अगर मेरे तरह छोटे छोटे बच्चे ऊपर नहीं बैठ सकते हैं, जो छोटे छोटे मैंने मकान बना रखे इनके अंदर बच्चे हैं या मुर्गियाँ सी ऊपर बैठी हैं, वो सब खत्म हो जाएगी फिर।
फिर आपका नुकसान ही नुकसान होने का चांस रहता है। इनका बचाव के लिए आप मेरे तरह से एक प्रोटेक्शन आप इनको करो, या फिर देखो आप मैंने मुर्गियों के लिए ऐसे लकड़ी बांध रखी है ना, ये कम मुर्गियाँ मैंने कम बांध रखी, ज़्यादा तो मैं यहाँ तक पूरी के अंदर लकड़ी बांध दूँ, बीच में पूरा लकड़ी से बांध दूँ, तिब्बल तिब्बल चब्बल कर दूँ, सब मुर्गियाँ ऊपर बैठ जाती है, बैठ जाती है। वैसे मैंने देखो ये लकड़ी के फंटे लगा रखे, इस पर बैठते नीचे नहीं बैठते, बच्चे भी शायद रात को यहाँ बैठते, लेकिन अभी जो नीचे है ना दिख रहा है मकान छोटे छोटे, इसके अंदर मैंने मुर्गियाँ अंडों पर बैठा रखी है, उनके लिए खतरा हो जाता है और मुर्गियाँ मर जाती हैं, अंडे ख़राब हो जाते हैं, तो फिर नुकसान है। और मुर्गियों अगर एक घंटा अगर पानी के अंदर खड़ी रहेगी तो नाखून नहीं पैर, ये पैर ख़राब हो जाते हैं, फिर चलने नहीं लगते, बीमारी हो के मर जाती है मुर्गियाँ, उनका पैर बहुत जल्दी ख़राब होता है पानी में। बारिश के समय आप नंबर 4 अगर ये पानी पीता है ना तो डिंकर या जो भी मृत हैं उनका हरा हरा कुछ काई टाइप का आता है, काई बोलता है ना, वो इनका पानी, वो पानी इनको नहीं पिलाओ, वो इनका जो डिंकर है ना समय समय पर साफ करो, या डेली के मिट्टी लगा के अच्छी तरह धो के साफ कर दो। आपके पास डिंकर डिंकर नहीं, मेरे तरह मैंने पतीला रख रखा है, वैसे रख दो, वो डिंकर रख रखा है इसके पिंजरे के पीछे मैंने रख रखा, तो ये साफ रख दो, उनको बिल्कुल साफ करो डेली साफ, स्वच्छ पानी पिलाओ इनको, गंदा पानी बिल्कुल मत पिलाओ। तीसरी बात, बारिश के टाइम में इनको ज़्यादा से ज़्यादा आप इनको बाहरी एरिया में छोड़ो, बारिश या बारिश रुकने के बाद में, तो बाहर में रुकेंगे तो कीड़े मकोड़े बहुत होते हैं, वो अगर खाएंगे ना तो इनका आप जल्दी से जल्दी इनका वजन बढ़ेगा, ग्रोथ बढ़ेगी, इनको विटामिन वगैरह मिलेगा, वो आपके फ़ायदा है। हो सकता है घास हरियाली हो जाए तो घास के तिमने खाने भी इनको अच्छी विटामिन मिलता है, घास में जड़ी बूटियाँ होती है, कितने विटामिन होता है घास के अंदर, हरा घास खाएगा तो इनको बहुत ही फ़ायदा होगा। लेकिन बारिश आती है इनको तुरंत अंदर कर दो, ये आपको ध्यान रखना है, बारिश में बिल्कुल इनको नहीं भिगो देना है। नंबर 7 बात, बारिश के समय में कई जहरीले जानवर भी अंदर आते हैं, गर्मी के मौसम में जहरीले जानवर होते हैं, उनसे बचाव करना है। बारिश के समय सांप बहुत ज़्यादा आते हैं, नेवला बहुत ज़्यादा आता है, उनका आपको ध्यान रखना, नहीं बच्चों को मार देते हैं। गर्मी में तो कोई नहीं ऐसे कुछ चलता नहीं, बारिश के टाइम ठंड में फिर वो बाहर निकल जाते हैं तो फिर उनको नुकसान बहुत ज़्यादा पहुँचा देता है। ये थी बारिश से बचने की और मैंने उपाय बताया, आपको कैसा लगा कमेंट में अवश्य बताना। कोई भी दिक्कत हो या परेशानी, कोई सवाल पूछना है तो मेरे को उसमें कमेंट ज़रूर करना। बाकी देसी मुर्गियाँ हैं उनको तो बीमारी बहुत ही कम लगने का चांस है, बॉयलर तो ऐसे बाहर निकाल नहीं सकते, लेकिन सोनाली हो गई, कड़कनाथ हो गया, डबल आर आई, डबल एफ जी, ये उनको बाहर छोड़ने से उनमें बीमारी ज़्यादा पकड़ती है। बाकी देसी प्योर देसी मुर्गियों में बाहर फेरने से इतनी बीमारी जल्दी से नहीं पकड़ती है, क्योंकि इनमें क्षमता बहुत ज़्यादा होती है, उनमें क्षमता कम होती है, इनकी क्षमता ज़्यादा होती है हर प्रकार की, तो इनमें इतनी वो दिक्कत नहीं है। बाकी देखो मैंने फार्म के अंदर किस प्रकार इनको बैठा रखा है, वैसे आप ये फार्म का बंदोबस्त करो ताकि आपको दिक्कत नहीं, इतना मैंने खर्चा नहीं किया, नॉर्मल मेरे पास फार्म इतना बहुत बड़ा फार्म नहीं है जो कि मैंने कर रखा है। जैसे मेरे पास प्योर 80 मुर्गे हैं, देखो आप देख सकते हो इनकी हर चीज़ के बारे में, जैसा आप लोग पानी पीते हो वैसा इनको पिलाओ, मैंने डिंकर लगा रखा है, मुर्गा पानी पर है, कितना स्वस्थ पानी, बिल्कुल साफ पानी है एकदम, ये देखो बिल्कुल साफ, ऐसे इसी प्रकार साफ पानी आप इनको बिल्कुल साफ पानी दो, कितना अच्छा पानी दोगे, कोई बीमारी नहीं आएगी बारिश के मौसम में। वैसे बारिश के मौसम में ठीक है, ठंड होती है तो इनके लिए बहुत ही फायदेमंद है, लेकिन कुछ बीमारियाँ भी लेके आती है, उनको ध्यान रखना है। जिस इंसान में बीमारी आती है वैसे इसी में भी बीमारी आती है, अगर आपके ये जो हमने इतने पाले इतने बढ़ेगी अगर वो बीमार हो गए ख़त्म हो जाए तो कितना नुकसान है, तो इसलिए इनको थोड़ा बहुत आपको ध्यान रखना है, जितना इसका ध्यान रखो उतने इनकी केयर करोगे उतने आप उनको बेनिफिट देंगे, आपको फ़ायदा मिलेगा। इस बिजनेस में कोई नुकसान नहीं है, लेकिन इसको थोड़ा आप ध्यान रखना पड़ेगा, आप हर प्रकार को देखना पड़ेगा, केयर करना पड़ेगा, तो बिल्कुल कोई नुकसान नहीं, अच्छे हैं। इनको अच्छा खाना, अच्छा डिंग पानी, अच्छा पानी पिलाओ, अगर थोड़ी कमज़ोर दिख रहे हैं तो इनको विटामिन कैल्शियम ऐसी कोई दवाई ला के भी डाल सकते हो, ऐसी बात नहीं, देसी मुर्गों अगर आपको, लेकिन इसमें इतनी कमी तो नहीं आती है, लेकिन फिर भी क्या पता आ सकती है। वैसे बारिश के मौसम में अच्छा रहता है इनके लिए, क्योंकि कीड़े मकोड़े इनको बहुत ज़्यादा मिलता है, लेकिन अगर थोड़ा भीग गया तो फिर बीमार बहुत जल्दी होते हैं, क्योंकि इनके पास हीटिंग होती है, इनके पास गर्मी होती है, गर्मी के बाद अगर ठंड होती है तो जल्दी से बीमार हो जाते हैं। जैसे हम लोग बाहर जाते हैं, बाहर के पसीना होता है, फिर अंदर आके नहा लिया तो हम लोग बीमार हो जाएंगे, इसी प्रकार इनका है,
ये भी बीमार होते हैं, तो उनका ध्यान रखना है। बाकी आप देख सकते हो मेरे असील बच्चे, देखो ये असील मुर्गी है, पूरी प्योर असील है मेरे पास, इसमें कोई शक नहीं, कोई आप देख सकते हो बिल्कुल एक नंबर की असील लग रही है, दुनिया की सबसे महंगी मुर्गों की प्रजाति असील होती है तो मेरे पास है। देखो ये देख सकते हो आप, ये बच्चे हैं, ये असील मुर्गा है, तो खुजली कर रहे हैं अपने बाल गुजारे, उधर देखो असील मुर्गी खड़ी है, ये देखो मैंने, आप देख सकते हो असील में सामने। हमारा वीडियो कैसे लगा कमेंट में बताना।